एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एनकेएम 47 व्लॉग में। और मैं हूं एनएम टाइगर मौर्य और आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वर्क अपडेट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। मैं अभी खड़ा हूं दोस्तों अलीगांव के पास, यानी कि जैतपुर के पास, मीठापुर गांव से थोड़ा सा पीछे और अपना मदनपुर खादर गांव से थोड़ा सा आगे। तो यहां पर दोस्तों आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम है उसमें आपको कुछ इम्प्रूव नज़र नहीं आएगा। जो भी अभी यहां पर प्रोग्रेस है वो बहुत एकदम रुकी हुई है। मतलब अगर आप पिछले एक महीने डेढ़ महीने से देखेंगे तो यहां पर कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि जैतपुर के पास, अलीगांव के पास, इससे थोड़ा सा जस्ट आगे, वहां पर थोड़ा बहुत काम आए दिन होता रहता है और वहां पर काम लगातार हो भी रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको कोई काम नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर अभी एक नया काम स्टार्ट हो चुका है इसी एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, तो वो काम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आपने देखा ये एक्सटेंशन, ये हाई टेंशन का जो खंभा है, हाई टेंशन की वायर, इस पर मतलब जो हाई वोल्टेज की वायर है इसके ऊपर से जा रही है और ये एकदम हमारा जो एक्सप्रेसवे है उसके जस्ट बगल से ही जा रहा है। ये हमारा एक्सप्रेसवे का अप्रोच रोड है। यहाँ पर जो हमारा जयपुर में अलीगांव पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका अप्रोच रोड है और ये जो हाई टेंशन का खंभा है ये जस्ट इसके बगल में लगा हुआ है और ये जो तार है इसी के जस्ट बगल से जा रही है। और ये जो आप ये अभी देख रहे होंगे ये पूरा हमारा इसका सर्विस रोड होने वाला है, सर्विस लेन होने वाला है। ये हमारा एक्सप्रेसवे का अप्रोच रोड है और ये इसके बगल से सर्विस लेन है। और ये जो हाई टेंशन का खंभा है दोस्तों ये आ रहा है इसी के एकदम बीचों बीच में, आप ये देख सकते हैं। तो अब इसको खंभे को यहाँ से हटाना है और ये जो हमारी ड्रेन लाइन है इसको भी यहाँ से आगे पास आउट करना है। तो आगे आप देखेंगे तो जो ड्रेन लाइन है वो आगे बन चुकी है और यहाँ पर बीच में ये ड्रेन लाइन का काम रुका हुआ है। वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बीच में ये खंभा आ रहा है और ये रोड पर भी ये खंभा आ रहा है, तो इसको अब यहाँ से हटाना होगा। और इसको हटाने के बाद ही जो इसका आगे का काम है वो स्टार्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो काम है स्टार्ट हो चुका है इस खंभे को हटाने का। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नया खंभा है जो तैयार किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। यह हाई टेंशन का नया खंभा, नया पोल जो है तैयार किया जा रहा है। आगे भी एक ऐसा ही तैयार हो चुका है और इनको मतलब ये जितने भी यहाँ पर अभी खंभे लगने हैं सारे तैयार होने के बाद इसकी लाइन को काट कर और ये जो वायर है इसकी हाई वोल्टेज की इसको इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं एक और पोल यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, ये वाला, ये एकदम बनकर रेडी है। और इस साइड जो है इसे भी बनाया जा रहा है। लगातार ऐसे ही आगे और भी जो पोल हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो दोस्तों ये दो खंभों से काम हो जाएगा, लेकिन आगे चल के अगर मदनपुर खादर गांव के पास देखेंगे तो वहाँ पर जो है वहाँ भी ऐसी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर भी इसका काम लगातार स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काफ़ी सारे काम जो हैं यहाँ पर मतलब उसी की वजह से जो यहाँ पर मतलब ये काम है जो हमारा एक्सप्रेसवे का काम है वो रुका हुआ है इलेक्ट्रिक की वजह से ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सामने आपको एक और इलेक्ट्रिक पोल नज़र आ रहा होगा इससे भी लाइन जो है हटा दी गई है। और आगे आप देखेंगे एक और पोल आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक वायर है जो हटा दिया गया है। ऐसे ही आपने देखा होगा आगरा कैनल रोड के पास, आगरा कैनल मतलब ये जो पूरा आगरा कैनल रोड के अंडर में ही आता है, लेकिन जो हमारा NTPC का इको पार्क बन रहा है उसके पास में भी ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक पोल थे उनके ऊपर से वायर को हटा लिया गया था। वहाँ पर जो आपने ट्रांसफार्मर देखा था जो बीचों बीच में था उसको भी हटा लिया गया और वहाँ पर जो लेवलिंग का काम है उस पर लगातार जोर दिया जा रहा है और वहाँ पर लेवलिंग होने के बाद रोलिंग वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है। और ये जो हमारा सर्विस लेन है दोस्तों, ये सर्विस लेन यहाँ से इस साइड में हमारा जो मदनपुर खादर की साइड में बढ़ता है तो यहाँ पर आकर ये रुका हुआ है हमारा, मतलब ठीक NTPC इको पार्क के गेट के पास आकर रुका हुआ है। इसके जस्ट आगे जो है कास्टिंग यार्ड है जहाँ पर ये सारे दोस्तों आप देखेंगे डिवाइडर वगैरह जो इनकी कास्टिंग की जाती है। और ऐसे ही इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जैतपुर के पास फ्लाईओवर के पास जाकर वहाँ पर रुक जाता है और वहाँ जाने के बाद इसका काम अभी रुका हुआ है, आगे इसको अभी नहीं बढ़ाया गया है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस फील्ड से रिलेटेड ही नहीं हर फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ, साथ में ही आपके लिए कई सारे ट्रैवलिंग व्लॉग लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा, जय हिंद।